मंगलवार को कसरावा तहसील में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर ब्लॉक कांग्रेस की ओर से काला दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस द्वारा तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया गया है। ज्ञापन में राज्यपाल से यह मांग की गई है कि बीजेपी सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। उन्होंने यह कहा कि इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक विधायकों की खरीद फरोख्त कर प्रदेश को लोकप्रिय सरकार को शासन के वंचित कर दिया और आज खुद ही कलह से जूझ रही है। साथ ही जिस तरह से महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है, इसलिए समुचित कांग्रेस के द्वारा आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। अनुभागीय अधिकारी महोदय राजेश कसरावत, विषय लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को सर्वंत पूर्वक गिराकर मध्यप्रदेश में अराजकता के मुंह में धकेलने का सरकार देखिए, मध्यप्रदेश के मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानी कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो आज चुनी हुई सरकार को जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो गिराई गई, तो उसको लेकर आज पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे मध्यप्रदेश में और हर जिले बार हर ब्लॉक बार में आज पूरी कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और काले दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह षड्यंत्र पूर्वक जो अच्छी भली कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जो किसानों गरीबों सभी का सब वर्ग का कल्याण करने के लिए जो बनी थी, उसका शिरहरण करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसका चुनी हुई सरकार का हनन किया, उस विरोध में आज पूरे मध्य प्रदेश में हर ब्लॉक में आज हम कसरावत ब्लॉक में भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से काले दिवस के रूप में मनाने के लिए महामहिम राज्यपाल के महोदय के नाम ज्ञापन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।